वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। आज हम आए हैं खेत में, देख सकते हैं धान की कटाई जोर शोर से चली है। देख सकते हैं इधर का धान ऑलरेडी कट चुका है, यहाँ पड़ा हुआ है। अभी इस खेत में कटाई हो गया है और इसको धान को बांधा जा रहा है। अभी उधर देख सकते हैं अभी धान मौजूद है, अभी काटा भी नहीं गया है। ये बांधा ही चल रहा है, ये बांध दिया गया है तो कल उठाया जाएगा। तो हमने खेत का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मशीन के कटाई का और हाथ से कटाई का, ये हाथ से कटाई हो गया है। तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, किसान जो बहुत मेहनत करके अनाज हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए किसान का रेस्पेक्ट करना चाहिए। गांव में किसान लोग बहुत मेहनत करके धान हम तक पहुंचाते हैं। इस खेत को देख सकते हैं बांस के सहारे से घेरा गया था। धान का ऑलरेडी कटाई हो चुका है। ये जानवर गाय वगैरह के लिए सेफ्टी के लिए लगाते हैं, धान बर्बाद ना हो जाए। जो रोड साइड या सबसे करीब में होता है जो गाय जानवर का आने का, तो लोग इस तरह से बांस लगाते हैं और जाल वगैरह से घेर देते हैं। तो बहुत सारा खेत मशीन से कटाया गया है और बहुत सारा हाथ से, क्योंकि गांव में लोग मेहनती होते हैं, मेहनत से करते हैं। तो कुछ लोग हैं बैल के सहारे से भी हल चलाते हैं और ट्रैक्टर से भी हल किया जाता है। तो धान आखिरी स्टेज में पहुंचने के लिए 5 महीना करीब लग जाता है, 4 से 5 महीना। ये देख सकते हैं गांव का खूबसूरत नज़ारा, ये सूरज है। ये हाईवे के करीब में देख सकते हैं गाड़ी चल रहा है, थोड़ा दूर में है हम हाईवे से, फिर भी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरफ गांव है, इस तरफ पूरा गांव है, गांव का नज़ारा भी देख लीजिए। इससे सब लोग भी गांव में किसान का रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये खेत बंजर छोड़ दिया गया है, इस पे धान नहीं हुआ है। किसान मेहनत करने के बाद उनको जब फ़ायदा नहीं होता है तो इसी तरह छोड़ देते हैं खेत को। ये देख सकते हैं इसमें फसल नहीं हुआ है, आसपास सब खेत में हुआ है। तो इसलिए जो जान जानवर आसपास पालते हैं तो इसका ख्याल रखें, किसान का नुकसान ना हो। नुकसान हो जाने की वजह से वो खेती करना भी छोड़ देते हैं।
ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।